नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत इन सुंदर सुंदर गुलाब के फूलों के साथ जो इस सीज़न के सबसे बेहतरीन फ्लावर हैं दोस्तों। और आज हमारी अमावस है और आज से दोस्तों श्राद्ध भी ख़त्म हो रही है ना, फिर नवरात्र स्टार्ट हो जाएंगे और फिर तो मस्ती टाइम है ना, त्यौहार ही त्यौहार। और ये टाइम दोस्तों वैसे भी करता है मन है ना, खट्टा मीठा सा मौसम है ना, गर्मी है ना, सर्दी है, बिल्कुल मन करता है कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते रहे। और तो त्यौहार अपने स्टार्ट हो ही गए नवरात्रों से है ना, फिर तो आगे आने वाले कई महीने बस त्यौहार ही त्यौहार हैं। तो और दोस्तों ये मौसम भी इतना अच्छा है कि ये प्लांट लगाने का मौसम है और त्यौहारों का मौसम है, मस्ती वाला मौसम है। तो जब तक घर पर ग्रीनरी ना हो तो किस तरह के त्यौहार है ना, हरे भरी हरियाली वाले वातावरण के साथ ही त्यौहार मनाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और बिल्कुल दोस्तों ये वही प्लांट है जो इस मौसम में हम लगा सकते हैं। और जैसे जैसे दोस्तों मुझे नए नए प्लांट मिलते रहेंगे मैं आपको जानकारी तो देती रहूँगी। लेकिन दोस्तों आज का हमारा कोई फ्लावर वाला प्लांट नहीं है, ये प्लांट है हमारा सागो पाम, जिसको कि हम साइको पाम भी बोल देते हैं। और पहले तो दोस्तों ये सदर्न साइड में ही होते थे हमारे, लेकिन अब तो लोग इनको इंडोर भी लगाने लग गए हैं है ना। और दोस्तों वैसे रियल में कहो तो ये पाम्स की कैटेगरी में से है भी नहीं, लेकिन ये लगता पाम जैसा है इसलिए इसको पाम नाम दिया गया है। और बिल्कुल पोनीटेल पाम जैसा लगता है ये, और मतलब इसकी जो लीव्स हैं वो बिल्कुल पाम जैसी लगती हैं, शायद इस वजह से भी कह दिया होगा सागो, मतलब मिस नेम जो रखा जाता है, मतलब रियल में नहीं है वैसे रखा गया है। और दोस्तों पहले जो लोग थे इन पाम्स को इसलिए लगाते थे नेचुरल डिफेंस के लिए, अपने जैसे मतलब खेतों की बाउंड्री के लिए, या उन्होंने अपना कोई गार्डन बना रखा उसकी प्रोटेक्शन के लिए पहले इसलिए लगाते थे। लेकिन ये दोस्तों कम लाइट में उगने वाले प्लांट हैं, मैं शेडी तो नहीं कह सकती एकदम, लेकिन हाँ आप इसको मतलब जैसे विंडो रखी है, विंडो है आपकी, ताज़ी हवा आ रही है, रोशनी भी आ रही है, वहाँ रख सकते हो, या बाहर है तो आप मतलब ऐसे स्थान पर रख दो जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट आती है, तो ये बहुत अच्छे से चलते हैं। और दोस्तों तीसरी ज़रूरी बात ये है कि वैसे पॉइजनस होते हैं ये, जिस घर में डॉग्स हैं, छोटे बच्चे हैं, वो थोड़ा ध्यान से लगाएं इसको और ऐसी जगह पे लगाएं उनकी पहुंच के बाहर हो। और अब आते हैं दोस्तों इस पाम के बारे में और अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि ये पाम दोस्तों बहुत टाइम तक चलने वाली प्लांट है। और सबसे बड़ी अजीब बात तो इसकी यही है दोस्तों कि 15 साल के बाद मतलब इसमें से ब्लूम निकलते हैं, एक कोन टाइप सा कुछ निकलेगा और उसको ब्लूमिंग बोलते हैं, इसकी 15 साल में, पहले 15 साल के बाद निकलेंगे वो। और बहुत स्लो ग्रोइंग हैबिट है दोस्तों इसकी, और बहुत धीरे धीरे ग्रोथ होती है, कोई इतनी जल्दी ग्रोथ भी नहीं आपको इसको नज़र आएगी। और धीरे धीरे दोस्तों जो इसका जो नीचे रूट्स का जो कॉर्टेक्स है वो भी हार्ड होता चला जाएगा। और दोस्तों इसमें एक पैटर्न टाइप में मतलब लीव्स निकलती हैं, एक गोलाई सा बाउल सा होगा, कटोरा सा, तो एक साथ से सारी की सारी निकलेंगी, गोल गोल बोलते हैं उसको दोस्तों, उस पैटर्न को बोलते हैं रोजेटे, ROSCTTE रोजेटे बोलते हैं उसको, जो सर्कुलर पैटर्न में इसकी लीव्स निकलती है ना, देखो बीच में से मैं जो करके दिखा रही हूँ, तो इसकी कभी भी लीव्स दोस्तों एक या दो नहीं निकलेगी, पूरा का पूरा एक गोलाई में कटोरा सा निकलेगा, उसको ही रोजेटो बोलते हैं। और दोस्तों डेकोरेशन का प्लांट है वैसे भी ये, कोई इसमें ऐसे बात तो नहीं है, आते हैं इसके रख रखाव के ऊपर। तो दोस्तों इसको आपने ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है, जहाँ पे ब्राइट सनलाइट आए लेकिन इनडायरेक्टली आए, सूरज की दिन भर की भले ही रोशनी आती रहे लेकिन डायरेक्टली इस पर ना पड़े। और दोस्तों ये गर्मी सर्दी बहुत हार्डी प्लांट है, ये गर्मी सर्दी दोनों बर्दाश्त कर लेगा। और अगर अपने अंदर रखना है तो मैंने बता ही दिया, विंडो वगैरह के आसपास रख दें, जहाँ पे हल्की सी कूलिंग भी हो, इनडायरेक्ट सनलाइट भी आती हो, और जो ज़्यादा ही मतलब जहाँ धूप की रोशनी आती हो ना जिन विंडोज़ में, वहाँ मत रखना इसको एक्सेसिव, जहाँ पे सनलाइट आती हो या बर्निंग लगे आपको हो सकती है प्लांट को। और दोस्तों अगर आपने इसकी पत्तियों को बहुत साफ़ सुथरा और अच्छा बना के रखना है तो इनको थोड़ा ट्रैफिक एरिया से दूर रखो, वो चीज़ इनको पसंद नहीं है, और फिर इनकी लीव्स वगैरह ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं ज़्यादा ट्रैफिक वाले एरिया में रख दें तो हम। और सोइल का दोस्तों इसका मॉइस्चर ऐसा है कि ज़्यादा पानी की तो इसको जरूरत होती नहीं, ज़्यादा पानी दोगे तो इसकी रूट्स जो है
गलना शुरू हो जाएंगी। और बस इतना रखना है कि आपने दो चार दिन में हल्का सा बस गीला कर दिया मिट्टी को, ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि खराबी दोस्तों ये पानी की वजह से होते हैं। कम पानी दोगे तो मैंने तो कभी ये मरते देखे नहीं, लेकिन हाँ ज़्यादा पानी की वजह से मरेंगे। और बीच में से जो मैं हाथ करके दिखा रही हूँ जो मिड रिब है ना इसकी, ये ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, पीली पड़नी शुरू हो जाएगी ये। और यहीं से दोस्तों ये प्लांट ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, ये पत्तियों की साइड में से, मिड रिब में से। और ये दोस्तों फर्टिलाइज़र पे आते हैं तो इसके इसको दोस्तों आपने फॉस्फोरस की इसको कोई ज़रूरत नहीं होती है, एनपीके बोलूँ तो मैं, आपने इसको नाइट्रोजन और पोटेशियम देना है। कोई भी इस तरह के फोलियज वाले प्लांट हो उनको नाइट्रोजन और पोटेशियम ही पसंद होता है, उनकी ग्लोजी लीव्स के लिए और उनकी रूट्स को और अच्छे से डिवेलप करने के लिए। तो आजकल तो दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट भी एक फर्टिलाइज़र आने लग गया है जिसमें फॉस्फोरस नहीं होता। तो बिल्कुल जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है इसका दोस्तों ये जो रूट का ये कॉर्टेक्स है बहुत मजबूत होना शुरू हो जाता है और बस देखने में सुंदर लगते हैं दोस्तों। ये डेकोरेटिव प्लांट है, इसके बारे में ऐसी कोई जानने वाली बात नहीं है। ज़्यादातर दोस्तों इसकी नई ग्रोथ जो है ना वो स्प्रिंग टाइप, स्प्रिंग का जब सीज़न आता है ना तभी देखने में मिलती है ज़्यादातर। और अगर आप की जो रूट्स हैं या प्लांट ज़्यादा बड़ा हो गया कंटेनर में तो बिल्कुल उसको ट्रांसप्लांट कर दें, तभी वो बढ़ेगा। नहीं तो अगर आपने एक गमले में अगर आपने इसको लगा रखा है, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है, अगर उसमें पूरा का पूरा प्रॉपर फैल गया ये तो बिल्कुल दोस्तों इसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। नहीं तो गमला भी तोड़ देगा ये और दूसरा फिर अच्छे से ग्रोथ भी नहीं होगी, नई नई लीव्स भी नहीं निकलेंगी। और सबसे ज़्यादा दोस्तों इसके बारे में जो बात है वो है आपने ड्रेनेज सिस्टम जो है इसका बहुत बढ़िया करना है ताकि ये अच्छे से चलें भी और अच्छे से इनकी ग्रोथ हो। और इसकी पॉटिंग सॉइल में दोस्तों वही थोड़ी सी अपने रिवर सैंड मिलानी है, अपनी गार्डन सॉइल लेनी है और गोबर की खाद अगर अवेलेबल हो जाती है सबसे बढ़िया है। फर्टिलाइज़र मैंने बता दिया पोटेशियम नाइट्रेट है, वो इसके लिए बेस्ट है। बस वाटर इसको दोस्तों स्प्रे करके ज़्यादा पसंद है, मिट्टी में इसको ज़्यादा पानी नहीं है पसंद। आप दो तो इसको स्प्रे वाला पानी ज़्यादा पसंद है, अंदर वगैरह लगा रखे हैं बाहर भी लगा रखे हैं, तो स्प्रे करके अगर आप पानी दोगे तो ये बहुत अच्छे से चलेंगे। तो बस जी मुझे जितनी इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें पता थी मुझे लग रहा है मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो बस वीडियो में और भी कुछ नए नए सुंदर सुंदर प्लांट देख लेते हैं जो हम इस सीज़न में लगा सकते हैं। ये हैं दोस्तों डैंथस, और ये बिल्कुल बढ़िया सीज़न लग रहा है डैंथस को लगाने का। और सीड से जिसने लगा रखे हैं ठीक है, नहीं तो अब नर्सरी में प्लांट आ चुके होंगे वो ले आए। और दूसरा दोस्तों गेंदे की बहुत सुंदर वैरायटी आई आ गई अब तो है ना, नवरात्रों में भी पूजा वूजा में चाहिए गेंदे के पौधे। और फूल ना तोड़ा करो दोस्तों, वैसे ही हाथ जोड़ के भगवान जी को अर्पित कर दिया करो, उन्हीं को उन्हीं के खिलाए हुए हैं। कुछ लोग दोस्तों इतनी बुरी तरह से सुबह सुबह प्लांट तोड़ रहे होते हैं और ये मेरे तो बहुत मन दुखी हो जाता है और सोचते हैं कि बस अगले दिन के लिए कुछ छोड़े ही ना, आज ही कर लें जो करना है इनका। और बस दोस्तों इस सुंदर सुंदर नर्सरी के साथ अच्छी अच्छी बातें मैंने साइकस फार्म के बारे में आपको बता दी, चाहे आप उसको गमले में लगाओ चाहे ज़मीन में लगाओ। ज़मीन में लगाओगे और ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा और गमले में लगाओगे तो आपके घर की डेकोरेशन करेगा और क्या। ये सुंदर सा प्लांट है ना, देखने में कितना सुंदर लगता है वैसे भी। और क्या बताऊँ मैं आपको इसके बारे में, बस सारा बता ही दिया। और ये सुंदर सुंदर फूलों का मज़ा लो, जैसा कि हम बहन भाई सारे फूलों के शौकीन हैं ही। तो ये देखिए दोस्तों, अब तो दोस्तों आसपास के जो भी आपकी नर्सरी वगैरह हो ना बिल्कुल बढ़िया बढ़िया पौधे आ भी रहे हैं और खूब सारे बढ़िया प्लांट आने शुरू हो गए हैं अब तो वहाँ से बिल्कुल आप परचेज करके लाओ और सुंदर सुंदर प्लांट अपने गार्डन में लगाओ। सब जगह अच्छी अच्छी वैरायटी आ रही है और ये देखिए कुछ वैरायटी मैं आपको और दिखाती हूँ। गुलाब लगा लो, गुलाब तो मैंने आपको पहले भी दिखाए थे है ना, ये सुंदर सुंदर गुलाब आए हुए हैं आजकल प्यारे प्यारे कलर के। अभी देखो है ना इकट्ठे से रखे थे, मुझे लग रहा था कि मैं आपको दिखाऊं। और क्या है, और डेलिया दोस्तों है ना, देखो इस पे बर्ड्स बन रही हैं डेलिया पे भी। और क्या दिखाऊं,
देखते हैं इनके पास क्या क्या है। कोलियस लगाओ, सच्ची कोलियस की तो आप अब कटिंग लगा लोगे ना, बहुत अच्छे से ग्रो करेंगी और बहुत जल्दी से चलेंगी। पहले कुछ दिन इनको शेड में रख के तैयार कर लेना, चल जाए फिर अपना ठीक रख देना इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट में। और ये अपने ब्लीडिंग हार्ट की बेल दिखा रही थी मैं आपको, ये भी अच्छा मौसम है। और ये हाइब्रिड जो है सदाबहार, इस पर तो मैंने कल वीडियो बनाया था है ना, लगाने का तरीका ही बता दिया था। तो बस दोस्तों, जो भी मुझे समझ में आती है जानकारी आपको देने लायक मैं बस बोलती जाती हूँ। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर प्लांट लगे हुए हैं यहाँ पे है ना, डेंथस है, रोज़ है, रोज़ के तो इतने सुंदर सुंदर कलर आए हुए हैं, अब बहुत अट्रैक्टिव और बड़े बड़े गुलाब। और रोज़ दोस्तों लगाना मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा भी रखा है, स्टेम कटिंग से भी, और सारा मतलब सब कुछ बता रखा है रोज़ के बारे में। तो बस जी, ये हरियाली भरा वातावरण एंजॉय करो, देखो सुंदर सुंदर प्लांट, और खूब सारे प्लांट अपने घर में लगाओ, फिर देखो आपके घर का वातावरण कितना सुंदर हो जाएगा, कितना हरा भरा और एकदम पॉजिटिव। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन आपके घर में होगी, जितने ज़्यादा प्लांट लगाओगे, उतना ही लाइवली एटमॉस्फेयर आपके घर का होगा, और उतनी ही आप पॉजिटिव भी होगे और एनर्जेटिक भी हो जाओगे, और ज़्यादा एक्टिवली काम को करोगे जल्दी जल्दी, और नए नए आइडियाज़ भी दिमाग में आएंगे, और एकदम फ्रेश माइंड के साथ सारे के सारे आप काम कंप्लीट करोगे, भले ही वो गार्डनिंग के हो या आपके अपने भी कोई भी ज़रूरी काम हो जो भी आप करते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, फ्रेश रहने के लिए, अपने आप को तरोताज़ा रखने के लिए प्लांट से अच्छा कोई भी आपका साथी नहीं हो सकता, कोई भी दोस्त नहीं हो सकता। बस इसी सुंदर सुंदर दृश्य के साथ विदा लेते हैं, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर प्लांट्स।